Assalamualaikum and good morning students. Welcome to the Forward Public School e-learning class 5th. Subject is Mathematics. My name is Balwasha Akram and I am your maths teacher. Students, today's topic is unit number 7, Geometry, exercise 7.2, and this is the part 3 of your unit number 7. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें हमने रूलर और कंपास की हेल्प से एक ट्रायंगल एबीसी बनाना है, जिसमें जो उसकी मेजर ऑफ ईच साइड होगी, यानी एक साइड की जो मेजरमेंट होगी वो आपके पास 6 सेंटीमीटर होगी। सबसे पहले अपने ब्लैंक पेज पर आप इस तरह से लाइंस ड्रॉ करें और उस पर आप फिगर लिख दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ईच जो आपका जो साइड है उसकी जो मेजरमेंट है वो आपके पास जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस तरह से रूलर की हेल्प से 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये देखें, आप थोड़ा सा इस तरह से यहाँ रख के 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको कहा गया है कि ईच साइड जो मेजरमेंट है वो 6 सेंटीमीटर है। अच्छा, सबसे पहले इसको हम नेम्स दे देते हैं, हम लिख देते हैं, लेट सपोज ये है ए एंड बी। ठीक है जी, तो एक साइड की मेजरमेंट जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बस इसी के मुताबिक ये जो आपने लाइन ड्रॉ की थी इसी के मुताबिक आप अपना जो है कंपास का रेडियस लें इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए ये 6 सेंटीमीटर ओपन हो गया। अब आप इधर क्या करेंगे कि पॉइंट ए पर रखकर आर्क लगाएं इस तरह से, और फिर आप पॉइंट बी पर रखें और इस तरह से आर्क लगा दें। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये जो दो आर्क्स हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला, इसको आपने जॉइन कर देना है विद द ए। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स आप इस पॉइंट को जो है वो बी से भी जॉइन कर लें इस तरह से विद द हेल्प ऑफ रूलर। ठीक है, और ये पॉइंट आपका बन जाएगा पॉइंट सी। सो स्टूडेंट्स दिस ए बी सी ट्राइंगल इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। स्टूडेंट्स अब जो आपके लाइन वाला पेज है वहाँ का आपका काम क्या है कि आपने क्वेश्चन लिख लेना है, फिर गिवन लिखना है। गिवन में आपको क्या है कि आपने जो है एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें आपके पास मेजरमेंट ए बी बी सी और सी ए जो है वो है 6 सेंटीमीटर। हमने इस तरह से एक डायग्राम फिगर जो है वो ब्लैंक पेज पर ड्रॉ कर ली थी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इस डायग्राम में हमने क्या किया था, हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी ए बी। तो अब आप स्टूडेंट इसी को अपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने ए पॉइंट पर अपना कंपास रखा था और अपना रेडियस जो था वो 6 सेंटीमीटर लिया था। तो हम क्या कहेंगे, विद ए एज सेंटर एंड रेडियस ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली फिर हमने बी पर यही कुछ स्टेप्स दोहराए थे, सो विद बी एज सेंटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर ड्रॉ अनदर आर्क कटिंग द फर्स्ट आर्क एट पॉइंट सी। मतलब वो आर्क जो है वो फर्स्ट आर्क को पॉइंट सी पर कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब है हमारे पास जॉइन पॉइंट सी विद द पॉइंट्स ए एंड बी, यानी वो जो पॉइंट सी था वो हमने विद द हेल्प ऑफ रूलर जो था वो हमने ए और बी के साथ जॉइन कर लिया था। हिंस ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो है कंस्ट्रक्ट हमने करना है ट्राइंगल एक्स वाई जेड, जिसमें हमारे पास एक्स वाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है, वाई जेड जो है वो 5.5 सेंटीमीटर है एंड जेड एक्स भी 5.5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात हो रही है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट एक्स वाई ड्रॉ करते हैं जो कि है 4 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स अब हम 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट हम आप ड्रॉ करते हैं इस तरह से। ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट जिसका नाम है एक्स वाई। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्स
y. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके पास वो कह रहा है कि वाई जेड जो है वो 5.5 सेंटीमीटर है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स इसके लिए हम क्या करेंगे कि आप अपना रूलर इस तरह से लेंगे और उसके हेल्प से आप अपने कंपास का रेडियस लेंगे 5.5 सेंटीमीटर। ये देखें, ये आपके पास हो गया 5.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर पॉइंट वाई पर रखेंगे, क्योंकि पॉइंट वाई की बात हो रही है तो हम यहाँ पर रखेंगे। जेड तो हमारे पास नहीं है लेकिन वाई तो है ना, तो वाई पर हम रखेंगे और यहाँ पर आर्क लगा देंगे। स्टूडेंट्स अब वो कह रहे हैं कि आपके पास जो वाई जेड है, जो एक्स जेड है वो भी 5.5 सेंटीमीटर है, तो इसलिए रेडियस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम पॉइंट एक्स पर रखते हैं इसको और यहाँ पर एक आर्क लगा देते हैं। स्टूडेंट्स अब आप देख रहे हैं कि ये दो आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इस पॉइंट को जहाँ पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको हम पॉइंट दे देते हैं जेड। स्टूडेंट्स अब ये जो पॉइंट जहाँ पर इंटरसेक्शन कर रहा है, इस पॉइंट को आपने एक्स और वाई से इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स एक्स वाई जेड इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो भी बिल्कुल पिछले वाले की तरह है। सिर्फ ये था कि यहाँ पर पॉइंट एक्स पर हमारा रेडियस 5.5 था और यहाँ पर पॉइंट वाई पर हमारा रेडियस जो था, पॉइंट वाई पर जो है 5.5 था और एक्स पर भी 5.5 था, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल था। तो स्टूडेंट्स सिर्फ आपने इसके रेडियस चेंज कर देने हैं, बाकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 भी आप अपनी कॉपीज पर इसी तरह फिगर ड्रॉ करेंगे। देखें स्टूडेंट्स वो आपके पास स्केलिन ट्राइंगल है, तो इसलिए आप ये 6 सेंटीमीटर बना के फिर रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर रखेंगे और पॉइंट क्यू पर आर्क लगा देंगे और रेडियस 4 सेंटीमीटर रखेंगे और पॉइंट पी पर रखकर आर्क लगाएंगे और फिर उसको ज्वाइन कर देंगे, तो पी क्यू आर विल बी योर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी अपनी कॉपीज नीट कॉपीज पर कर लें। Now students has the review exercise 7 and its page number is 149. Students first objective ki taraf dekhe, an acute angle is an angle which is greater than 0 degree and less than 90 degree. Ye bhi aapko main pichli classes mein samjha chuki hoon. Wo angle jo ki less than 90 degree ho, that is called an acute angle. An angle which is greater than 90 degree is called obtuse angle. ठीक है, इसको complete लिखा गया है, is greater than 90 degree and less than 180 degree is called obtuse angle. Reflex angle जो होता है वो हमारे पास 180 से greater होता है और जो है वो 360 से less होता है। ठीक है, तो ये आपके पास रिफ्लेक्स एंगल हो गया। इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ मेजर 60 डिग्री ईच, देन द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल विल बी। स्टूडेंट्स अब वो कह रहे हैं कि दो एंगल्स जो हैं वो 60-60 के हैं, तो 60 प्लस 60 कितने हो गए हमारे पास, ये हमारे पास हो गए 120 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आपको शायद मैंने पहले नहीं बताई लेकिन इस वाले जो अभी आपको मैं बताती हूँ। स्टूडेंट्स जो सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब ये एक ट्राइंगल है, इसकी जो तीनों एंगल्स हम ऐड करेंगे तो इसका सम जो है, इसका सम हमारे पास आएगा 180 के इक्वल। ठीक है, इसका सम हमेशा किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल। तो जब दो एंगल्स जो हैं वो 60-60 के हैं, मतलब 120 के हैं, तो थर्ड वन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 180 से 120 को माइनस कर देंगे, तो ये भी हमारे पास आएगा 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस ब्लैंक में क्या लिखेंगे, 60 डिग्री। इसके बाद है टू एडजस्टेड एंगल हैव कॉमन, एडजस्टेड एंगल्स जो हैं वो हमारे पास कॉमन वर्टेक्स शेयर करता है। ठीक है, एंड अ कॉमन आर्म, और उसका एक कॉमन आर्म होता है। स्टूडेंट्स अब आपको मैं एडजस्टेंट एंगल ड्रॉ करके बताती हूँ। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप के जो एंगल्स होते हैं वो आपके पास एडजस्टेंट एंगल्स होते हैं। इसका मतलब है इसका एक कॉमन वर्टेक्स होता है जो कि आपको देखिए ए दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, तो ये इसका कॉमन वर्टेक्स हो गया। ठीक है, इसी तरह इसका एक कॉमन आर्म होता है ये वाला, देखें ये दो जो एंगल्स हैं ये और ये, इनका एक कॉमन आर्म है, ये जो ए डी है ये एक इनका कॉमन आर्म है,
और इनका जो कॉमन वर्टेक्स है वो हमारे पास ए है। तो स्टूडेंट्स इन इस टाइप के एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज, हमने ये पढ़ा था, अगर उनका सम किसके इक्वल हो 90 डिग्री। इफ सम ऑफ द टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या कहलाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद अ ट्राइंगल विद ऑल साइड्स इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। मतलब जिसके तमाम साइड्स आपस में इक्वल हो, दैट ट्राइंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है। उसके बाद अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्या कहलाता है? राइट एंगल ट्राइंगल। अ क्लोज्ड फिगर ऑफ फोर साइड्स, अच्छा फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर जो है वो क्या कहलाता है? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो दिस वॉज द एंड ऑफ योर यूनिट नंबर 7 एंड ऑल्सो द मिड टर्म सेलेबस। स्टूडेंट्स अपनी कॉपीज नीट रखें, उसको क्लीन साफ और बिल्कुल जो है चेकिंग के लिए रेडी रखें ताकि बहुत अच्छी चेकिंग हो सके। स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारी जो मिड टर्म सेलेबस है वो ख़त्म होता है। सो फॉर नाउ अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।